ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है। और एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, वो 2 सेंटीमीटर की लंबाई का है और उसको मैंने मिरर से 20 सेंटीमीटर पर रख दिया। तो मुझे पता लगाना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं बच्चों इसको? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 1/v + 1/u = 1/f। v तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है जो आपको पता करना है, u को -20 लिख देंगे और f की वैल्यू क्या +20 आ जाएगी क्या? बोलिए बच्चों। Yes, sir. देखिए क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस राइट साइड में ही होगा, है ना? तो राइट साइड में है तो इसलिए उसको हम क्या लेंगे बच्चों, उसको पॉजिटिव। लेफ्ट में होता तो नेगेटिव ले रहे थे, राइट में है तो इसलिए उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव कौन बोल रहा है? सॉरी मुझे लगा आप यू की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। और कॉनकेव का? -r/2। नेगेटिव है ना। तो इधर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/v = 1/20 + 1/20। तो यानी 1/v की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, इसका मतलब v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों बेटे? v की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर बराबर। 10 सेंटीमीटर का मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है बच्चों, लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है? राइट साइड ऑफ द मिरर। राइट में। राइट में। सिंस वी इज पॉजिटिव इंप्लाइज इमेज इज फॉर्म्ड एट राइट, फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। बच्चों आज सब लोग अपना वीडियो ऑन करो तो यार एक बार, मैं अटेंडेंस ले लूंगा। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें।
देव तुमने ऑन नहीं किया भाई। सर मेरा कैमरा चल नहीं रहा, मैं फोन से कनेक्ट करूं क्या? ऋषभ लोखंडे, अर्णित नायर, पूर्णिमा मेनन, शिवान, समझ में आ रहा है बेटे तुमको? हाँ सर। अच्छा तो इमेज किधर बनेगी बेटे? राइट साइड में। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बच्चों? माइनस बी बाई यू। मैग्निफिकेशन इज माइनस बी बाई यू। तो वी की वैल्यू को तो हम लिख देंगे प्लस 10 और यू को कितना लिख देंगे बच्चों? माइनस 20। तो क्या मैग्निफिकेशन हाफ आ जाएगा यहाँ पे? मैग्निफिकेशन हाफ आ गया, इसका मतलब क्या है भाई? देखो यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व करने की है। एक चीज तो के मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है। मैग्निफिकेशन कैसा आया है? पॉजिटिव। क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? इमेज ऊपर की तरफ बना है। इमेज इज इरेक्ट। और 1/2 का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज इज हाफ टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज की हाइट क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है ना, इमेज की हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। तो क्या हो जाएगा? राइट में बनेगा और इरेक्ट बनेगा और 1 सेंटीमीटर का। इज दैट क्लियर? यस सर। अंश सिंह नहीं दिख रहा बेटा मेरे को, किधर है? सुदेव को भी देखना है भाई। सुदेव किधर है? ओके यस। सर हो गया कॉपी? हो गया बेटे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? कैसे किया हमने? यस सर। यस सर। ओके। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे पढ़ना है बच्चों वो क्या है कि एक कॉनकेव मिरर किस किस तरह की इमेज बना सकता है
और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किस टाइप की इमेजेस बना सकता है ना, कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बना सकता है और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बना सकता है। तो देखिए ये जो कॉनकेव मिरर है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा है ना, तो वो इमेज कहां पे बनाएगा बेटे, फोकस, वो फोकस पे इमेज बनाएगा। वी की वैल्यू को कितना लिखेंगे, फोकस, और कॉनकेव मिरर का फोकस कितना होता है, माइनस आर बाई, और इमेज कैसी बनेगी, इमेज विल बी रियल एंड इट विल बी इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और इनफैक्ट मैग्निफिकेशन इसका जीरो ही आ जाएगा क्योंकि यू इनफाइनाइट है ना, डेनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ रहा है इसलिए मैग्निफिकेशन जीरो आ जाए। सेकंड केस हम लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, माइनस इंफिनिटी और टू एफ के बीच में है ना, माइनस इंफिनिटी और टू एफ के बीच में, मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस इंफिनिटी से 2f के बीच। तो इमेज पता है कहां पे बनती है बेटे, इमेज बनती है f और 2f के बीच में, इमेज बनती है f से 2f के बीच, और यहां भी इमेज होती है रियल और होती है इन्वर्टेड और होती है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब कैसी, छोटी इमेज होती। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो वो लेस देन वन आता। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन कैसा आता है, लेस देन वन। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो आता है वो कैसा आता है, लेस देन वन, मतलब छोटी इमेज बनती। थर्ड केस हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने किधर रख दिया, 2f और f के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया किधर बेटे, 2f और f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखेंगे तो इमेज किधर बनेगी, 2f से माइनस इंफिनिटी के बीच में इमेज बने, बियॉन्ड 2f, 2f जो पॉइंट है उसके बियॉन्ड, और ये इमेज भी कैसी रहेगी, रियल ही रहेगी, इन्वर्टेड ही रहेगी, लेकिन एनलार्ज रहेगी, ऑब्जेक्ट से ज्यादा साइज की बनेगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन वन। देखो एक डायग्राम, रे डायग्राम के थ्रू भी इसको अपन समझ सकते हैं कैसे। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में हम मान लेते हैं कि ये फोकस है, यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है, और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट को हमने किधर रखा है बेटे, 2f और f के बीच में, तो सेंटर का मतलब 2f हो गया,
सेंटर का मतलब क्या हो गया 2F, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा हुआ, ठीक है। अब रे डायग्राम से इमेज कैसे बनाते हो बच्चों? रे डायग्राम से इमेज बनाने का तरीका ये है कि आपने ऑब्जेक्ट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, ठीक है। ये इस रे का क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर से पास होगी बच्चों? ये वाली फोकस, फोकस, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होगी फोकस, ये ऐसी रे, ठीक है। दूसरी रे हम क्या करते हैं, फोकस, फोकस से, फोकस से पास करवा दो। दूसरी रे को, एक रे को अगर आप फोकस से पास करवाओगे तो इस रे का क्या होगा बेटे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ रहा है सर, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड सेंटर उसकी इमेज बन रही है। और क्या ऑब्जेक्ट से ज्यादा हाइट की बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है? हाँ सर। और जहां इमेज बन रही है वहां पर रेज वाकई में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, रियल इमेज बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। क्या बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। सर वहाँ पे मॉड में माइनस क्यों लिया है? किधर बेटे? सर वो थर्ड के पोजीशन। अरे नहीं, वो माइनस नहीं है बेटे, वो है मार्कर, ऐसे ही मेरा चल गया। ओके सर। वो मॉड एम ही है, वो माइनस नहीं है। Mod M is greater than, Mod M greater than 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब M positive भी हो सकता है या negative भी हो सकता है? नहीं, कौन बताएगा? अथर्व तुम बताओ, Mod M greater than 1 का मतलब क्या होता है? Ratio greater than 1 है, मतलब ratio का mod greater than। हाँ, मतलब किसकी हाइट ज्यादा है सर? मतलब इमेज बड़ा होगा, इमेज, इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा होगा। मॉड एम ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, इमेज बड़ा होगा, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो, है ना। अच्छा, अगर मान लो मैंने एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को 2F पे ही रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज जो है वो फिर से 2F पर ही बन जाएगी। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया तो इमेज भी कहां पे बन जाएगी बच्चों? सेंटर पे ही एग्जैक्टली इमेज बन जाएगी। ये इमेज भी कैसी होगी? इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड, लेकिन सेम साइज की हो। मॉड एम इक्वल टू 1 ना? मॉड एम इक्वल टू 1, रियल, इन्वर्टेड एंड same size as that of object. और mod m की value कितनी होगी? It will be equal to अगले पेज पे चलो बच्चे, ये वाला पेज आगे बढ़ाते हैं। हाँ सर, एक सेकंड सर। ओके आर्नेत, आर यू फॉलोइंग? जो भी लिख रहा है समझ में आ रहा है बेटे? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ऋतुराज, सानिया लकड़वाला,
तुम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है क्या? आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। सर अब ये कॉनकेव का हो गया ना? ये कॉनकेव का हो गया बेटे, है ना। अभी इसमें एक एक दो केस और लिखने हैं हमें। एक तो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे हुआ तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, है ना, इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, और आप उसको रियल बोल सकते हो। सर माइनस इंफिनिटी ना? माइनस इंफिनिटी, यस माइनस। और क्योंकि नेगेटिव साइड पे बन रही है मतलब रियल ही है, उसका मैग्निफिकेशन जो है वो इनफाइनाइट होगा, है ना, इन्वर्टेड बनेगी। एंड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन तो वन से बहुत बड़ा ही होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। ठीक है, इसमें एक केस। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज ही बनाता है क्या? कभी वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता क्या बच्चों? बनाएगा सर, बनाएगा ना। एक केस होता है जिसे बनाता है, कब बनाएगा? एफ के आगे हुआ, एफ और पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर हमने रखा, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड द पोल, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी? बिटवीन पोल टू प्लस इंफिनिटी। और क्योंकि पॉजिटिव साइड पे बन रही है इसका मतलब वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। वो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, वर्चुअल और एनलार्ज टाइप की बनेगी और इरेक्ट बनेगी और उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन आएगा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन कैसे आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है? मॉड ऑफ वी बाई यू। अगर इमेज की डिस्टेंस पोल से जो आ रही है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से ज्यादा है, जो ज्यादा दूरी पे बनेगा उसकी हाइट भी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, अगर इमेज की डिस्टेंस पोल से ज्यादा है तो इमेज की हाइट भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, है ना। अगर इमेज डिस्टेंस इज लेसर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, देन द हाइट ऑफ इमेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेसर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। समझ रहे हैं? हाँ सर। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो मॉड वी बाई मॉड यू के बराबर ही तो होता है, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफ मॉड वी इज ग्रेटर देन मॉड यू इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इफ मॉड वी इज लेस देन मॉड यू दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी लेस देन हाइट ऑफ वन विच इज फॉर्म्ड एट लार्जर डिस्टेंस will be of greater height। ज्यादा दूरी पर बनेगा तो ज्यादा height का। ठीक है, अच्छा convex mirror के लिए ऐसा नहीं होता। convex mirror का केस बड़ा आसान है। for any position of real object in front of convex mirror the image formed is always virtual। For any position of real object
इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड will be always कैसा बच्चों virtual virtual erect diminished and will lie between pole and focus कॉन्वेक्स मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा लाई करेगा। देखो एक सिंपल से रे डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कैसे। ये एक कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया और ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जी, और इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही होगी ये रे किधर से पास होगी बच्चों? क्या ये कॉन्वेक्स मिरर रे को डाइवर्ज करेगा? यस सर। हाँ सर, डाइवर्ज करेगा, और मतलब ऐसे डाइवर्ज करेगा कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर से निकलते हुई नजर आएगी? फोकस से, है ना। और वो रे जो कि मैं फोकस की तरफ भेजूंगा सर, वो वैसे ही वापस आएगी? नहीं, वो पैरेलल हो जाएगी ना। हाँ सर। ओके सर। फोकस की तरफ जाने वाली रे क्या का क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दो रेस को हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो अपन पाएंगे कि इधर इमेज बन रही है ना। कैसी बन रही है? छोटी बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है ना। छोटी बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, और इरेक्ट बन रही है। क्या क्या पॉइंट अपन ने लिखाए थे? वर्चुअल, पीछे बन रही है तो वर्चुअल ही कहलाएगी, सीधी है तो इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड विल लाई बिटवीन पोल एंड द फोकस। अच्छा, इन इस प्रॉपर्टी की वजह से convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles, hence convex mirror is used as rear view mirror in vehicles सर, ताकि हमेशा वर्चुअल इमेज दिखे ना। हाँ, मतलब देखो हमें ऐसा पीछे दिखना चाहिए ना। अगर इमेज इधर हमारे सामने बनेगी, जैसे मिरर है और इस तरफ इमेज बन रही, तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे ना उस इमेज को। इमेज हमें दिखाई कब देगी? जब वो मिरर के पीछे बन रही हो, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही हो, तभी दिखाई देगी हमें। इरेक्ट भी सर। और इरेक्ट भी दिखे, और छोटी होने से क्या फायदा होता है सर? मतलब बहुत सारा दिखेगा, बहुत फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ दिख जाएंगे हमको। तो हमको क्या है, व्हीकल ड्राइव करते समय वी कैन टेक बेटर जजमेंट ले सकते हो आप। आपको पता है, अच्छा हाँ, इधर से ट्रक आ रहा है, उसके पास में मोटरसाइकिल चल रही है, इधर रोड खत्म हो रहा है, ये सारी चीज आपको दिखेगी। समझ रहे हैं? हाँ सर। कॉनकेव मिरर में क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट तो सीधे दिख जाएंगे, कुछ उल्टे दिख जाएंगे, कुछ बड़े दिख जाएंगे, कुछ दिखेंगे ही नहीं।
क्यों भाई? तो वो हमारे काम का नहीं है ना इस तरह की कंडीशन में। और कॉनकेव मिरर को क्या है, एज शेविंग मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज कैसा, क्योंकि उसमें देखो क्या होता है, जब हम अपने ये फेस की पोजीशन को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो मिरर में इमेज कैसी बनेगी, हमको कैसी इमेज दिखेगी मिरर में, मैग्निफाइड एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी, है ना। हाँ, उसमें ये बात जरूर है कि आपको एक सर्टेन पोजीशन पे ही अपना चेहरा रखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पीछे ले जाओगे तो इमेज बनना ही उसमें बंद हो जाए, मतलब बनेगी तो सही लेकिन हमें वो दिखाई दिखेगी, मतलब दिखाई नहीं देगी बेटे। क्या होता है, रियल इमेज कैसे देख पाए, मान लो कि अपन यहाँ पे खड़े हैं और इमेज हमारी आंख के भी पीछे बन रही, तो क्या अपन देख पाएंगे क्या उसको? या जो रियल इमेज भी अगर हवा में बन रही होगी तो वो हवा में थोड़ी दिखाई देगा अपने को। रियल इमेज को देख पाने के लिए तो क्या करना पड़ता है, आपको कोई स्क्रीन लेकर के आना पड़ता है, कोई प्रोजेक्टर लेकर के आना पड़ता है, तब जाकर के दिख सकते हैं अपन। जैसे मूवी थिएटर्स में जो अपन पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे वो लोग वो जो पर्दा लगा होता है, जो स्क्रीन होता है, उस पर रियल इमेज बन रही होती है, उस पर जो इमेज बन रही होती है वो कैसी होती है बच्चों? रियल, रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज वहां पे बनी और फिर बन करके पर्दे से स्क्रीन से लाइट टकरा करके अपने पास आई वापस, तो फिर हमको वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। और तुमने देखा होगा कि जैसे अपन यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं तो पीछे से एक लाइट आ रही होती है, यहाँ ऐसा बॉक्स जैसा बना होता है उसमें से लाइट आ रही होती है, तो वहां पर पीछे क्या लगा होता है, एक लेंस लगा हुआ होता है और लेंस के पीछे एक रील चल रही होती है, उस रील की इमेज बनती है किधर, वो जो इमेज बनती है उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो रियल इमेज को देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर नहीं नहीं स्क्रीन की, यू नीड अ स्क्रीन टू बी एबल टू व्यू अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज हमें दिखेगी कैसे, देखो आप जितनी भी इमेजेस को देख पा रहे हो ना अपने जीवन में, वो सब की सब क्या है, दे आर ऑल वर्चुअल इमेजेस। आप एक प्लेन मिरर शीशे के सामने खड़े होते हो, अपने चेहरे को देखते हो, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज है, रियल है या वर्चुअल? प्लेन मिरर के सामने वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है वो, मिरर के पीछे बनती है ना, मिरर के पीछे थोड़ी लाइट जा रही है, लाइट तो हमसे निकली मिरर पे गिरी और मिरर से टकरा करके, हमसे निकली लाइट मिरर पे गिरी और मिरर से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ गई, क्या मिरर के पीछे लाइट गई, मिरर के पीछे गई लाइट, मिरर के पीछे तो कोई लाइट नहीं गई, इसका मत, लेकिन इमेज तो मिरर के पीछे ही बनती है ना कि आगे बनती है बच्चों? इमेज किधर बनती है, मिरर के पीछे या मिरर के आगे? पीछे। प्लेन मिरर की बात करो, प्लेन मिरर में पीछे बनती है, वहां पे लाइट नहीं है, मतलब वो इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज है ना। तो हमें जो इमेजेस हम देख पाते हैं वो इमेजेस कैसी होती हैं, वो वर्चुअल इमेजेस ही होती हैं। हम रियर कार के रियर व्यू मिरर में या किसी बाइक के रियर व्यू मिरर में जिस इमेज को देख पाते हैं वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है या वर्चुअल होती है जी? वर्चुअल, वर्चुअल होती है ना। रियल इमेज को अगर आपको देखना है, यू वांट टू व्यू देम थ्रू योर आईज, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, स्क्रीन, स्क्रीन, कोई स्क्रीन, किसी पर्दे की जरूरत पड़ेगी आपको, पर्दे को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां पे वो इमेज बन रही है, तो उस पर्दे पे जाकर के लाइट टकराएगी और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख में जाएगी, तो हमें लगेगा हाँ भाई पर्दे पर कुछ इमेज। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों?
सर कॉन्वेक्स मिरर वो यूटर्न पे भी यूज करते हैं ना? कॉन्वेक्स मिरर को किस लिए यूज करते हैं बेटे? सर वो यूटर्न पे रखते हैं कभी कभी। यूटर्न पे रखते हैं? सर घाट में वगैरह। या जैसे कई बार जो कई अपार्टमेंट के जो एंट्री होती है वहां पे भी लगा हुआ होता है ना, ये देखने के लिए कि दूसरी तरफ से तो कोई कार नहीं आ रही। तो ये बात है भाई, है ना। अच्छा अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ था बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन रख दें तो इमेज कैसी बनेगी? स्क्रीन पर तब कैसी इमेज बनेगी बच्चों? उसके उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। तब इमेज कैसी बनेगी, उस इमेज की पोजीशन को अपन कैसे पता करेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे देखो मान लो हमको ये कहा जाए कि एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है बेटे? कॉनकेव मिरर। और उसकी ऑप्टिकल एक्सिस पर हमने क्या कर दिया, कोई एक रॉड रख दी या कोई एक पेंसिल रख दी, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर की एक्सिस पर मैंने क्या कर दिया, एक पेंसिल मैंने रख दी। पेंसिल की लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ द मिरर मैंने यूज करी है वो है कितना, 30 सेंटीमीटर। और नियरेस्ट एंड ऑफ पेंसिल at a distance of kitna 20 centimeter from the pole of the mirror, jo nearest end hai wo kahan pe hai, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द, जैसे ये रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नियरेस्ट एंड वो 20 सेंटीमीटर, 15 में 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा 20, और लेंथ ऑफ पेंसिल है 20, तो टोटल ये पेंसिल कुछ इस तरह से रखी हुई सर। तो फॉरेस्ट पॉइंट 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना? ये ऐसे पेंसिल ए बी पेंसिल हो गई, इसका बी एंड की दूरी हमें कितनी दी हुई है, बी एंड की दूरी हमें दी गई है कितना, 20 सेंटी। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। फाइंड द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, ये हमें पता करना है।
सर यहाँ पे यू कितना लेने का? हाँ देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले अपन मिरर फॉर्मूला लगाए किसके लिए, फॉर बी, बी एंड के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ। तो बी का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो फॉर बी यू को -20 ले लेंगे, एफ को -15। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो आ जाएगा 1/v + 1/u, u को -20 और f को -15 लेंगे, 1/v की वैल्यू आ जाती है 1/20 - 1/15। 60 LCM लिया, 3 - 4, तो v की वैल्यू -60 आ जाएगी ना। v की वैल्यू आ जाएगी कितना, -60। -60 का मतलब 60 सेंटीमीटर टू द पोल के लेफ्ट में या राइट में बच्चों? सर लेफ्ट, लेफ्ट में, टू द लेफ्ट ऑफ पोल। और फिर उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, जो दूसरा एंड है पेंसिल का, मतलब कौन सा एंड बेटे, एंड ए, इसके लिए अप्लाई करें। तो ओवरऑल पेंसिल की लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एंड ए के लिए यू कितना लोगे? सर 40, -40। उसके लिए यू ले लेंगे -40, एफ तो -15 ही है, 1/v + 1/-40 = 1/f, एफ इज -15, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/40 - 1/15, तो ये 123.8। तो v को क्या लिख देंगे, v को लिख देंगे -120/5, यानी -24 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, है ना। ये भी लेफ्ट में ही बन रही है, इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर से अगर अपन देख रहे हैं तो जो ए एंड है उसकी इमेज तो 24 सेंटीमीटर पे बन गई, ए डैश, ये तो कहां पे बन गया, 24 सेंटीमीटर पर। और बी की इमेज कहां पे बन गई, 60 सेंटीमीटर, वो बन गई 60 सेंटीमीटर। है ना, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी आ गई, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए बी 36। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई बेटे, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इमेज की साइज कैसे पता करेंगे, ये बात समझ में आई? यस यस। ध्यान दो यहाँ पे -v/u जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए यूज करते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं दोनों की अलग अलग इमेज पता लगानी पड़ेगी, फिर आपको साइज ऑफ इमेज पता चलेगी।
सर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना रहता तो मैग्निफिकेशन अगर फाइंड आउट करना होता तो हम लिख देते बेटे पहले का साइज अपॉन अभी का साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उल्टा ओके सर लेकिन हाइट तो है ही नहीं इधर तो हाइट मतलब लेंथ बोल दो उसको हाइट मत बोलो लेंथ बोल दो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ है ना लेंथ ऑफ इमेज अब तो 36/40 क्या हो जाता 36/40 समझ रहे हो हमारी बात बेटे हाँ सर ओके अब देखो सर ये लेंथ ऑफ क्या माइनस क्या होगा यार मैं कह रहा हूँ इस केस में अगर वैसे इस केस में मैग्निफिकेशन पूछेंगे नहीं लेकिन अगर कोई बोलना चाहता है भाई मैग्निफिकेशन कितना है तो वो क्या कहेगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो कहेगा ओके सर है ना लेकिन इसको उस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से मत कंफ्यूज करना इसलिए लिखो मत इसको कॉपी में ठीक है वरना कंफ्यूज हो जाए कुछ लोग बाद में याद नहीं रहेगा फिर उसको कुछ और लिखने लगेंगे ठीक है तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी बेटे स्फेरिकल एबरेशन देखो बेसिकली हम जब मिरर के लिए ये बात बोलते हैं कि मिरर पर हम पैरेलल रेज इंसिडेंट करें तो वो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होने लग जाएंगी तो ये वाली बात क्या है बेटे ये हमेशा ट्रू नहीं होती ट्रू नहीं से मतलब हमारा क्या है कि सारी की सारी रेस एक्चुअल में प्रैक्टिकली स्पीकिंग फोकस से पास नहीं होती है तो ये जो मिरर के बिहेवियर में जो एक डेविएशन होता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर या फ्रॉम द फॉर्मूला बिहेवियर ऑब्टेंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन ये एबरेशन जो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है एबरेशन का मतलब होता है डेविएशन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर है ना जैसे अपन ऐसे कहते ना कि यार वो आदमी जनरली तो ऐसा बिहेव करता है लेकिन ये एक एक्सेप्शन या एबरेशन बोल सकते हो आप उसको है ना जनरली तो हम बोलते हैं कि साहब क्या है विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है आजकल नहीं खेल पा रहा तो वो क्या है एक तरह का एबरेशन है ना तो ये बात स्फेरिकल कुछ अलग जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उससे उससे थोड़ा सा अलग तो स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है कि इट इज द इनएबिलिटी of a spherical mirror to focus all the parallel rays at one point after reflection. It is the inability of a spherical mirror. यहाँ पर बीच में क्या आएगा यहाँ पर आएगा mirror. It is the inability of a spherical mirror to focus parallel rays at one point after reflection. ये क्या होता है स्फेरिकल मतलब डायग्रामेटिकली हाउ विल इट लुक लाइक सी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस
जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, अब इस पे हमने क्या किया, कई सारी पैरेलल रेज इंसिडेंट करी, ये एक पैरेलल रे मैंने भेजी, ये वाली एक पैरेलल रे मैंने भेजी, ये पैरेलल रे भेजी। ये पैरेलल तो क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ कहीं पे सेंटर है, इधर फोकस है, तो इस सबकी सब रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास नहीं होंगे, कुछ रेज फोकस से थोड़ा पहले निकल गई, कुछ रेज थोड़ा इधर निकल गई, है ना, कुछ ऐसा बिहेवियर उनका रहे, समझ रहे हैं बेटे। एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज नहीं कर पाता है रेस, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं होगा। एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज नहीं कर पाता, या डाइवर्जिंग मिरर के साथ भी ऐसा ही होगा कि वो जब रेस को डाइवर्ज करेगा और उन डाइवर्जेंट रेस को जब आप मिरर के पीछे तक एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, वो रेस सबकी सब फोकस पे नहीं आएंगी, जैसे यहाँ फोकस है तो कुछ रेस इधर से निकल गई, कुछ रेस थोड़ा और फोकस के पास तक पहुंच, मतलब ऐसा चले, समझ रहे हैं बच्चों। ये रेस सारी की सारी रेस फोकस से पास नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन बात क्या है, अगर आप मिरर को मिरर पे, अगर आप मिरर पे जो रेज इंसिडेंट कर रहे हो वो ऐसी इंसिडेंट कर रहे हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास ही हैं, हाँ बेटा एक
हो गया सर। हो गया बच्चों, देखिए हाँ, अगर हम बात कर रहे थे कि अगर हम रेज ऐसी लें बच्चों जो कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत बहुत क्लोज हैं, न सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं बहुत क्लोज भी हैं, तो ऐसी रेज का क्या होगा, ये रे ऑलमोस्ट फोकस से पास होगी, है ना, ये रेस क्या है ऑलमोस्ट फोकस से पास होती है। ऐसी रेस को पैरेक्शियल रेस बोलते हैं या नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस बोलते हैं। है ना, तो ये एनफोर्स करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या हो सिर्फ इसी तरह की रेज मिरर पे इंसिडेंट हो पाए, हम क्या करते हैं मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर इज यूज्ड, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर इज यूज्ड, स्मॉल अपर्चर मतलब साइज, कम साइज का, जैसे इतना सा मिरर यूज करेंगे, ये जो मिरर है ये क्या कहलाता है मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। अब ऐसा मिरर यूज करने का फायदा क्या है भाई, इस पे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज ही इंसिडेंट करा सकते हो। ध्यान दो बच्चों, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो खूब है इसका, स्मॉल क्या है जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो स्मॉल है, इसको क्या बोलते हैं मिरर ऑफ क्या बच्चों स्मॉल अपर्चर, है ना, इट एंश्योर्स ओनली पैरेक्शियल रेज आर इंसिडेंट ऑन द मिरर। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर में सब रेज फोकस से पास होंगे ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है ऑलमोस्ट फोकस से ही पास होंगे, एग्जैक्ट फोकस से तो यहाँ पे भी नहीं पास होगी लेकिन यहाँ पर क्या होगा ऑलमोस्ट फोकस से पास होंगे। सर पैरेक्सियल रेज क्या होता है? पैरेक्सियल रेज होती है वो रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों और प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास भी हों, उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ओके डन सर। बोलो बेटे। सर अपर्चर मतलब साइज ना? अपर्चर मतलब साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके सर।
तो ये स्फेरिकल एबरेशन जो डिफेक्ट ऑफ मिरर होता है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सर आपने अबर्चर का डेफिनेशन बोला, पैराबोलिक मिरर। क्या बोल रहे हो बेटे? आपने अबर्चर का क्या डेफिनेशन बोला? इस अपर्चर क्या होता है, इट इज बेसिकली डायमीटर ऑफ द अपर्चर। डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय द पेरिफेरी ऑफ द मिरर। मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इस दूरी को बोलते हैं अपर्चर डायमीटर। समझ रहे हैं? देखो जैसे तुम एक अपने लेंस बनवाने तुम लोग कभी गए हो दुकान पे? अब आँख का जो लेंस यूज करते हो, कुछ लोगों को चश्मा लगा होता है, कभी दुकान पे गए हो वो लेंस बनवाने? यस सर। तो वो लोग आपको कभी कभी वो लेंस दिखाते हैं ना कि सर ये कौन सा वाला लेंस डालना है, ये क्या वो इस तरह का, तो वो देखा है आपने वो कैसा होता है? वो पूरा ऐसा राउंड टाइप का होता है ना? यस सर। है ना, लेकिन थोड़ा सा बल्ज होता है, बल्ज्ड होता है, राउंड टाइप का लेंस होता है। तो एक तो होता है क्या, वो किस स्फेयर से ऑब्टेंड है पूरा का पूरा, वो तो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और वो लेंस का टुकड़ा जो आपको दिखाते हैं, दैट पीस ऑफ लेंस, उसको जब आप किसी कागज पे रख दोगे और एक सर्कल बनाओगे, तो उस सर्कल की डायमीटर को हम क्या कहेंगे? अपर्चर डायमीटर। ओके सर, समझ में आती बात? तो ये जो स्फेरिकल एबरेशन जो है, टू रिमूव स्फेरिकल एबरेशन, पैराबोलॉइड मिरर्स आर यूज्ड। पैराबोलॉइड मिरर्स का यूज किया जाता। जैसे आप लोग मैथ्स में अभी कॉनिक सेक्शंस पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें पैराबोला पढ़ते हो ना? यस सर। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ये इक्वेशन होती है ना? Yes, sir. तो इसी को क्या कर रहे हैं अपन, इसकी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर दें पूरा, तो एक थ्री डायमेंशनल सरफेस क्रिएट हो जाएगी इस तरह। हाँ सर, एक बॉल जैसे, है ना, थ्री डायमेंशनल सरफेस। नहीं, सी इट इज नॉट ए क्लोज्ड फिगर, ये ऐसा बंद नहीं हो रहा आगे जाकर के, ये तो खुला हुआ ही है ना, इसका मुंह खुला हुआ है सर, खाने का बॉल, बाउल जैसा। नॉट स्फेरिकल बट पैराबोलॉइड, उसको क्या बोलेंगे? पैराबोलॉइड उसको कहेंगे। तो ये जो अपनी जो हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, उनमें क्या होता है, एक बल्ब लगा हुआ होता है और बल्ब के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगी हुई होती है, रिफ्लेक्टर जैसा। वो रिफ्लेक्टर की शेप कैसी होती है? वो पैराबोलॉइड शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? पैराबोलॉइड। और पैराबोलॉइड के लिए क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है फोकस, कि वहां देखो ये यहाँ पर बल्ब है, कुछ रेस तो ये बल्ब आगे भेजेगा, है ना, लेकिन कुछ रेस ये बल्ब जब इस पैराबोलिक मिरर की तरफ भेजेगा, तो ये पैराबोलिक मिरर क्या करेगा, उन सारी रेस को ऐसे अपनी एक्सिस के परफेक्टली पैरेलल रीडायरेक्ट कर देगा आगे, जिससे आपको एक पैरेलल बीम जो है वो लाइट की मिल जाती। समझ रहे हैं बात? यस। तो ये पैराबोला, पैराबोला में कोई कंडीशन नहीं होती है। पैराबोला में क्या है,
अगर आपने उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करी तो भले ही आप उसकी एक्सेस से दूर इंसिडेंट करो या एक्सेस के पास इंसिडेंट करो, क्या होता है वो परफेक्टली जाकर के उन सारी रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, या एक पॉइंट से आने वाली सारी रेस को वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज सकता है ना। ओके सर। तो जो टॉर्च हो गई, जो हेडलाइट हो गई, या टेलीस्कोप में जो मिरर यूज हो गया, वो किस शेप का होता है? स्फेरिकल होने की जगह, स्फेरिकल तो होता है परफेक्ट गोल, बिल्कुल राउंड, जैसे बॉल होती है, राइट? हमारी फुटबॉल हो गई या बास्केटबॉल हो गई, दैट इज परफेक्ट राउंड फिगर। पैराबोलॉइड अलग शेप है। पैराबोलॉइड थोड़ा सा क्या है, आगे से उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार, वो ऐसा गोल होकर के बंद नहीं हो रहा कभी, वो ऐसा लगातार बढ़ता ही जा रहा। क्या बात समझ में आती है बेटे? और मैथमेटिकली तो आपको दोनों में डिफरेंस पता ही है। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, है ना। क्या बात समझ में आती है? यस सर। सर, अगर रबी बॉल को हॉरिजॉन्टली हाफ कट करेंगे तो ये यही शेप पैराबोला? नहीं नहीं नहीं, वो पैराबोला नहीं होगा सर, वो हेमिस्फीयर होगा। हाँ, नहीं नहीं, हेमिस्फीयर में वो एलिप्सॉइड, उसको एलिप्सॉइड बोलते हैं। एलिप्सॉइड रग्बी बॉल की जो शेप है वो क्या है, दैट इज एलिप्सॉइड। एलिप्स को थ्री डायमेंशन में रोटेट कर दोगे तो एलिप्सॉइडल शेप, ठीक है। पैराबोला एंड एलिप्स आर टू डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस, राइट? पैराबोला एक ओपन शेप है, एलिप्सॉइड एक क्लोज्ड फिगर। तो बच्चों आप आगे चले हैं, क्या बोल रहे हैं? ओवल जैसा है। सर ओवल जैसा, ओवल एलिप्स, एलिप्सॉइड ओवल के जैसा होता है। जब कॉपी करना है। ओके, हाँ कॉपी कर लो। सर, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे नहीं हुआ तो भी फोकस से पास होगा? क्या बोल रहे हैं बेटे? सर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं होगा इंसिडेंट रेस तो भी फोकस से जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तब फोकस से पास नहीं होगा बेटे, तब थोड़ी फोकस से पास होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल होना ही चाहिए। ओके सर। है ना, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है, उसके बाद भी क्या होता है वो नहीं पास हो पाती। जैसे जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से रे की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो थोड़ा फोकस से हट करके पोल की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। नोट कर लिया बच्चों? एक सेकंड। हो गया।
हो गया सर। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्शन। देखो हमने ये बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में तो किसके बराबर होती है, 3 × 10⁸। वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसको सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम की अगर अब हम बात करें तो वो क्या होती हैं, वो मान लेते हैं वी है, तो वी जो है वो सी से छोटा होता है, सी डिवाइडेड बाई एन। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम। एन बेसिकली क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो मीडियम में स्लो चलती है स्पीड, हाँ वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है लाइट की। यस ठीक है, या हम यो भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। और एन एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम मोर डेंसर इट इज सेट टू बी ऑप्टिकली। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर मीडियम, देन it is said to be optically dense, then it is said to be optically dense। उसको क्या कहेंगे बेटे कि वो मीडियम कैसा है, optically denser। देखो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इट इज नॉट लिंक्ड टू द फिजिकल डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल तो पानी से लाइटर होते हैं, है ना, पानी की डेंसिटी तो ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है, लेकिन ऑप्टिकली अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पर अगर देखें
तो पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ऑयल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस डेंसिटी का पता चलता है, ये वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है बेटे, केजी पर मीटर क्यूब वाली डेंसिटी नहीं है, ये तो कौन सी डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई मीडियम वन जो है उसकी फिजिकल डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाली तो ज्यादा हो लेकिन ऑप्टिकली वो रेयरर है ना, समझ में आती है बात। फिर हम एक डिफाइन करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, नहीं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर, जैसे मान लो कि आपने लिखा हुआ है वन एन टू ऐसा लिखा हुआ है या टू एन वन ऐसा लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है, सर ये रेशियो होगा ना, हाँ ये रेशियो होगा वन एंड टू ऐसा लिखा होगा, तो इसको पढ़ते कैसे हैं पहले तो वो समझो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम वन के रेस्पेक्ट में, मतलब रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, समझ में बात आती है, यस सर। और एन टू को क्या लिख दोगे आप, सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, यही डेफिनेशन होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 को लिख देंगे c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो क्या इन दोनों का रेशो v1 बाय v2 के बराबर आ जाएगा, हां सर, 1 एंड 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, यस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जरूरी नहीं है कि लाइट का पाथ भी चेंज हो, समझ रहे हो आप, यस सर। व्हेन लाइट एंटर्स from one medium to another, its speed and wavelength change, है ना? Note that this change in स्पीड इज अकंपनीड बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, या चेंज अगर मीडियम के लाइन से मतलब एक एंगल पे होगा तो ही ना,
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्या, एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स। हाँ सर वो वाला, वो जो स्ट्रेट आता है स्ट्रेट जाता है ना। हाँ लेकिन उसको भी हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा। यस दिस चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। Note that when a light ray is incident normally on one surface, it passes straight to the other medium. ये सीधा पास हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। ये क्या होगा? सीधा पास हो जाएगा बिना डेविएशन के। इसको अपन क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन। वो परपेंडिकुलर रहेगा ना? इसको क्या कहेंगे? हाँ ये परपेंडिकुलर। रिफ्रैक्शन तो हुआ है, ये नहीं कहना कि रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ सर। रिफ्रैक्शन तो हुआ है लेकिन क्या नहीं हुआ? डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन नहीं हुआ है ना, रिफ्रैक्शन तो हुआ है, डेविएशन मतलब अलोंग नॉर्मल ना। हाँ ओनली इन दिस केस, अगर किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ तब तो डेविएशन होगा सर। यानी ये केस नेल्स लॉ को वायलेट केस है ना? क्या बोल रहे हैं बेटे? ये केस जो है उस नेल्स लॉ को वायलेट करता है ना? नहीं नहीं नहीं, वायलेट नहीं करता बेटे, वॉलेट नहीं करता। देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, यही कहता है ना? यस सर। मान लो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन है, इसका एन टू है, तो स्नेल्स लॉ तो यही कहता है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी कितना है? जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो आ तो रहा है। यस सर। तो स्नेल्स लॉ वॉयलेट नहीं हो रहा। स्नेल्स लॉ के हिसाब से भी आई को अगर आप जीरो रखोगे तो आर की वैल्यू जीरो ही मिलने वाली है। ओके सर। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ बिल्कुल वॉयलेट नहीं होता। अब देखो ये रिफ्रैक्शन, अगले पेज पे चले बच्चों। सर एक मिनट। हाँ बोलो बेटे। बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी सर, वो जो ट्यूसडे को टेस्ट होने वाला है उसके अंदर थर्मल एक्सपांशन के क्वेश्चंस करना जरूरी है या फिर सिर्फ कैलोरीमेट्री करके जा सकते हैं? सिर्फ कैलोरीमेट्री के ही क्वेश्चन है। कैलोरीमेट्री मतलब वही ना, वो चेंज इन टेम्परेचर्स वाले? हाँ हाँ ओके सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ सर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। डन सर। डन सर। ओके बेटा एक सेकंड। हो गया बच्चों।
अब देखो ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो कुछ फिनोमेना हैं उनको अपन एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ फिनोमेना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कॉइन या कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखा हुआ है और कोई ऑब्जर्वर उसको एयर से देखता है तो उसको जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है उसके कंपैरिजन में डेप्थ उसको कम दिखाई पड़ती है ना, उसको ऐसा लगता है एज इफ डेप्थ इज लेसर देन द एक्चुअल और या रियल डेप्थ, है ना। हाँ सर, वो फिश टैंक में भी देखा है। हाँ सर, फिश टैंक में भी ऐसा दिखता है, है ना, अपने को थोड़ा पास दिखाई देता है, जितना एक्चुअल डेप्थ है उसके पास दिखाई देता। तो एक्चुअल में होता क्या है देखो कि ये जो ऑब्जर्वर जो हवा में खड़ा हुआ है उसकी आंख में ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जब जाती है, ऑब्जेक्ट से पानी से रेस चलना चालू हुई, जब वो पानी से एयर में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और जब वो बेंड हो जाती है तो वो एक्चुअल जहां से चली थी वहां पे मिलती नहीं है। देखो किस तरह से ऐसा लगता है थोड़ा ऊपर से आ रही है, थोड़ा ऊपर से आ रही है ना। देखो जैसे एक तो ये रे है नॉर्मली इंसिडेंट रे, ये तो सीधी निकल जाएगी, है ना, लेकिन जो रे मान लो थोड़े ऐसे एंगल पे गिरी है सरफेस पे वो थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी तो इस रे को जब मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो वो इधर इंटरसेक्ट करेगी ना, या और भी अगर अपन कोई रे लें ऐसी लें तो ये भी क्या होगा थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, इसको भी जब आगे मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, समझ रहे हो बेटे। हाँ सर, मतलब वो लोकस ऑफ पॉइंट हो जाता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे इधर की तरफ अगर मैं कोई रे को इंसिडेंट करूंगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा ऐसे बेंड करेगा, और बेंड करेगा उस रे को, बेंट रे को मैं एक्सटेंड करूंगा तो पीछे, तो हवा में जो ऑब्जर्वर हैं उन वो उनकी आंख में जाने वाली रेस को जब आप एक्सटेंड करोगे, है ना, हवा में जाने वाली एक्चुअल ऑब्जेक्ट भले यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन जो रेस हवा में जा रही हैं वो रेस यहाँ पे नहीं मिल रही, वो रेस तो इसके ऊपर ही मिल जा रही है ना कहीं पे। यस सर, वो रेस जो है वो इसके ऊपर ही कहीं पे मिल जा, तो हवा में बैठे आदमी तो उसकी आंख में जो रेज जाएंगी उससे डिसाइड करेगा ना कहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ रखा हुआ है लेकिन यहाँ पर बैठे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इधर रखा हुआ। तो ये जो डेप्थ होती है इस डेप्थ को तो बोलते हैं क्या, रियल डेप्थ, और ये जो डेप्थ होती है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज है उस डेप्थ को क्या बोलते हैं बेटे, इस डेप्थ को बोलते हैं अपरेंट। सर आप जो लिख रहे हो शायद तो लैग हो चुका है, नहीं लिख रहे। एक मिनट मैं दोबारा से शेयर करता हूँ।
हाँ सर अभी दिखा। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेज, लेकिन बाहर जो रेज निकल रही है पानी के वो आती हुई लग रही है किसी और पॉइंट से, है ना। तो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस से डेप्थ है वो तो होती है रियल डेप्थ, और वहां जहां से रेज आती हुई लग रही है हवा में बैठे हुए ऑब्जर्वर को, उस डेप्थ को क्या बोलते हैं बच्चों? एपरेंट डेप्थ, है ना। इज इट क्लियर? हाँ सर तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का? रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ को हम लिखते हैं रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखते हैं रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर वाटर का या फिर एयर का? वाटर का। ओके सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। समझ में आती है बात बच्चों? हाँ सर। तो देखो कैसा है कि मान लो हमसे कहा जाए कोई फिश है वो 24 सेंटीमीटर नीचे है पानी की सरफेस, है ना, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। इधर एयर में कोई ऑब्जर्वर है तो हमें पता करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस विल द फिश अपीयर टू द ऑब्जर्वर। तो बड़ा आसान है बेटे, हमें सिंपली क्या करना है? 24 into 3/4। Apparent depth is equal to real depth upon refractive index, that is 4/3. So 24/4/3 कितना आ जाएगा बेटा ये? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर है ना। सर पहले का स्लाइड दिखाइए नजर। हाँ बेटा। तो ठीक है बच्चों, ये अपना लास्ट एग्जांपल है, है ना। अभी बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। सर अगर वाटर की जगह ऐसा कुछ मर्क्यूरी में डाला तो वो एन ऑफ मर्क्यूरी आएगा ना? एन ऑफ मर्क्यूरी आ जाए, बिल्कुल।
जो भी इधर मीडियम हुआ उसका। सर अगर वाटर से ऑयल में किया तो फिर क्या होगा, एन ऑफ वाटर विद, जैसे मैं ये बता देता हूँ तुम्हें कि अगर मानो कुछ ऐसा हो जाए कि इधर मीडियम वन है और इधर मीडियम टू है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इधर कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ को हम क्या लिखेंगे, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एन वन अपॉन एन टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो रियल डेप्थ अपॉन टू एन वन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर और अगर मर्क्यूरी में होगा तो दिखेगा ही नहीं ना, मतलब क्यों सर, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड थोड़ी है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं है मतलब वहां से रेज, भाई देखो क्या है, इमेज तो बनेगी, इंटेंसिटी उसकी क्या होती वो अलग बात। हाँ सर हाँ, इंटेंसिटी कम दिखाई देगी तुमको, ये बोल सकते हैं। सर ये आपने लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा है, समझा नहीं, मीडियम वन मीडियम टू। भाई मैंने ये लिखा है जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए रखा हुआ है वाटर में और ऑब्जर्वर जो है वो बैठा हुआ है ऑयल में और देख रहा है इसको, तो फिर कैसे पता करेंगे, तो क्या करेंगे, जो रियल डेप्थ है उसको किससे डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, एन वन बाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है, तो किससे डिवाइड करोगे, एन वन अपॉन एन टू से रियल डेप्थ को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एपरेंट डेप्थ। अभी समझ में आया बेटे? ऐसा कोई केस होगा क्या जिसके अंदर अपरेंट रियल से ज्यादा हो जाए? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे अगर मान लो आप अंदर स्विमिंग पूल में बैठे हुए हो और ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है उसको देख रहे हो आप, समझ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि चिड़िया पास से जा रही है। नहीं, चिड़िया और दूर है, और दूर लगेगा, और दूर लगेगा, जितना जितना पानी से उसकी एक्चुअल ऊंचाई है उससे भी ज्यादा हाइट पे लगेगी चिड़िया। ओके सर, है ना, मतलब ऑब्जर्वर जब हो डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट हो कैसे मीडियम में, रेयरर मीडियम में, तब ऐसा होगा, है ना। समझ में आ रही बात बच्चों? यस सर। जैसे आप ऐसे समझो कि ये क्या है, इधर कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है साहब, वो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, और ऊपर कोई बर्ड है। सर हाँ सर, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है। हाँ बस बेटे, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने मतलब मैसेज डाला है ग्रुप पे, तो ये 4/3, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखोगे एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय कितना, एन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एन ऑफ मीडियम, है ना, तो रेज ऐसे जाएंगे ना, अभी बर्ड को ऑब्जर्वर देखेगा तो पहले किसका लिखेंगे अपन, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और डेनोमिनेटर 1/4/3 ऐसा लिखे, तो ये आ जाएगा 12 × 4/3, तो 16 सेंटीमीटर पे हमको बर्ड दिखाई। समझ में आती बात? हाँ सर। सर वो 1/4/3 कैसे आया, 1/4/3 कैसे आया,
भाई ऑब्जेक्ट अब एयर में है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ओके सर गॉट इट। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे चल रही होती हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में आता है, और डेनोमिनेटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जा रही होती है। ठीक है ओके। यस सर ओके। फिर जो तुम्हारा होमवर्क है ना वो मैं ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस करके लाऊंगा। ओके सर।